अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अफ्तारी का टाइम हो गया है, इसको थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं। तो अब क्या कहते हैं, मैं बनाने लगी हूँ आलू के सैंडविच, आलू और चीज़ के सैंडविच। उसके लिए मैंने क्या लिया है, धनिया, आलू अभी यही ऐड किया, और ये चीज़ मैंने रख ली है। इधर ब्रेड है, अंडे हैं, अब इसमें मैंने ऐड करने हैं, रुके एक मिनट, कुटी हुई मिर्चें, नमक, पिसी मिर्चें थोड़ी सी, चाट मसाला, अच्छा जी पिसी हुई काली मिर्चें, हाँ जी इसमें मैंने ऐड कर दिया सात चीज़। अब मैं इन सब चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। हाँ जी ये अब हो गया मिक्स अब सामान। इसमें से मैं कुछ सैंडविच बना लूँगी और कुछ के मैं ना कबाब बना लूँगी सहरी के लिए। चलिए जब सैंडविच की तैयारी करते हैं, पहले मैं घी गर्म या तेल जो भी है मेरे पास, मैं वो गर्म करने रख देती हूँ। हाँ जी तेल गर्म करने रख दिया है। अब मैं जो उनसे पहले अंडे फेंट लेती हूँ किसी खोले खुले बर्तन में। तो जो आज दस मोहम्मद इब्राहिम, ये है अब ये सामान। अब मैंने इसको करना है, इसको अब इसको इस तरह से अच्छी तरह से दबाना है, इस खाने आपस में जुड़ जाएं। डिप किया, इसको फिर थोड़ी देखें, तैयार हो गया सैंडविच। बस अफ्तारी होने ही वाली है, यहाँ पे भी बन रहे हैं, अल्लाह करे गैस आ जाए, बस गैस की टेंशन है। कर लिए मेरे पास ना कुछ चावल ये पड़े हुए हैं, और थोड़े से चावल मैंने ये दम दे दिए हैं, और आज मैंने बनाए हैं काले चने। काले चने बस बाली आ जाए तो काले चने रेडी है, मैं दिखाती हूँ। ये थोड़ा सा पकते रहे ताकि फिर मैं खाना दूँ इनको, अगर अभी खाना है अभी खा लें, नहीं तो ठहर के खा लें। जी मैं बना रही हूँ सहरी, सहरी में इस वक्त मैं पराठे बना रही हूँ, और साथ रात के चने हैं। मैंने वो इनको अंडे कहा था मगर ये भी भूल गए और मैं भी भूल गई, मैंने कहा चलो कबाब फ्राई कर लेंगे, मगर कबाब फ्राई नहीं हुए हैं, तो चलें ये खा लेंगे। अब मतलब इसकी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर बस पराठे हो गए हैं तैयार, पराठा रेडी। यहाँ पे तीन कटली रेडी, बाकी ये रहते हैं। हाँ जी हम जा रहे हैं, मोहम्मद इब्राहिम का पेपर है आज दूसरा, बोर्ड का और मदर साइंस का है दूसरा, दूसरा ही तो कह रही हूँ, और कौन सा कह रही हूँ। इसकी लड़ाई का कोई ना कोई बुखार चलता है, और इसको आज बहुत तेज बुखार है, बुखार है ना, कहाँ है आए अल्लाह बुखार, किसने चढ़ाया, किसने चढ़ाया बुखार है,
दादू ने, दादू ही सब कुछ कर रही हैं, हैं? ऊंची आवाज में कौन है? बाबा ने भी। हाय हाय। हाँ जी, सांस चढ़ गया मुझे, मोहम्मद समीर गोद से उतर ही नहीं रहा है, बुखार इसे हो गया है अचानक से, खा पी नहीं रहा कुछ। ओए अल्लाह, तुम दोनों तीनों लड़ क्यों रहे हो? इसने उसको बाहर मारे। गलत बात है ना? बड़े ने उसको बाहर मारा है। इधर मारा था समीर। कट्टी भी कर दी। मोहम्मद इब्राहिम का आज कंप्यूटर साइंस का पेपर है। चलो जी। हाँ जी, अम्मी की गली में आ गए हैं। इस तूफान के अंदर ना माशाल्लाह अल्लाह सेहत तंदुरुस्त की दे, से चैन नहीं है। ये बीमारी में भी अपने आप को नज़र लगवाता है अपनी हरकतों से। अच्छा, अभी इसे भागना नहीं आता सही तरीके से, तो ठुमक ठुमक चल रहा है। धूप करारी निकली हुई है, यानी कि बादल थे, बारिश हो रही थी, मगर अब ठीक है मौसम। इसके बच्चों को उधर अम्मी की तरफ छोड़ दिया, अब इसको मैं लेकर जा रही हूँ। पहले खुर्रम के पास जाएंगे, खुर्रम से फिर इसको वहाँ छोड़ने जाएंगे दोनों, फिर इसको छोड़ के मैं घर आऊँगी, क्योंकि अम्मी ने सिरात तस्बीह पे जाना है। मेरा बच्चा पढ़ाकू, अच्छे से पेपर देना है, अच्छे से पेपर देना है। हाँ जी, बर्तन धो लिए सारे, यहाँ पे भी शेल्फ वगैरह सब कुछ साफ, माइक्रोवेव खाली कर दिया, और यहाँ से मैंने चूल्हा उठा के नीचे रख दिया, क्योंकि अब चल नहीं रहा है, तो यहाँ पे मैंने ये चीज़ें रख दी हैं। तो अब इस दीवार का मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ, जो मेरे बस में वो करूँगी। तो सफाई भी कर ली है, समीर टंकर है, अब मैं उसको जाकर तैयार करूँगी। और जूती का रैग भी यहाँ से उठा दिया है मैंने, दूसरी जगह रख दिया है। तो अब ये कूलर भी हमने सेल के लिए लगा दिया है, कि ये सेल कर देना है, इसको नहीं हमने यहाँ पे रखना। और ये गंदा चूड़ा आ गया, इसके कपड़े चेंज करने हैं, क्योंकि इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और ये बाकरानी मिनट पे खाई जा रहा है, जी मैं आज बना रही हूँ दही भल्ले। काले चने फ्रीज किए हुए थे वो निकाल लिए मैंने, सफ़ेद चने निकाले हैं दही भल्लों के लिए। और यहाँ पर मैंने मोमो चूल के तैयार कर दिया, और यहाँ पर मैं चावल तैयार कर रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यहीं पर मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।